हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको Redmi 8, 8A या फिर Redmi 7A इन सारे मॉडल्स जिनमें आपकी PMI 632 लगी हुई है, Qualcomm की PM 439 लगी हुई है, इन सारे मॉडल्स चाहे 8 हुआ, चाहे 8A हुआ, 8A हुआ, 7A हुआ, इन सारे ही मॉडल पे मैं आपको जो लाइट प्रॉब्लम्स, ग्राफिक्स प्रॉब्लम्स जो इनमें आ रहे हैं, फुल तरीके से हम पूरे सेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। और MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट से आपको काफी कुछ फ्री में सीखने मिलता है, इसलिए हम कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर एडवांस सीखना चाहते हैं तो न्यू बैच अभी शुरू होने वाला है, हमसे कॉन्टैक्ट करिए और अपना एडमिशन करा लीजिए, ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, जैसे आपको अच्छा लगे वैसा एडमिशन करा लीजिएगा। क्योंकि हम MNZ मोबाइल इंस्टीट्यूट आपसे वादा करता है सब कुछ टॉप लेवल अब तक आपको सिखाने का और आपको एक्सपर्ट बनाने का, एक मतलब कॉन्टैक्ट कीजिए। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देखिए, आपके सामने ये Redmi 8A का डायग्राम खुला हुआ है, ठीक है। मैं आपको जैसे मैंने पिछले चैप्टर में निशान लगा लगा के समझाया था, ऐसे ही मैं क्या आपको अब भी निशान लगा लगा के बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहला काम आपका जो होता है, ये जो MIPI की लाइन होती है, ठीक है, इसे हम MIPI की लाइन बोलते हैं। MIPI यानी मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस, एक इंटरफेस होता है। ये लाइन आपको चेक करनी है। इन लाइन पे आपको क्या चेक करना है साहब, ये साथ में आपका रीसेट सिग्नल वगैरह, ये सारी आपको चेक करनी है। इन पे आपको क्या चेक करना है, इन पे आपको 350+ GR चेक करना है। GR मिलना चाहिए, ग्राउंड रीडिंग मिलनी चाहिए। मल्टीमीटर को डाउन मोड पे लगा दें और आप क्या है आसानी से GR चेक कर सकते हैं। अगर GR नहीं मिलता है तो आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ता है, सिंपल सी बात है, ठीक। आप इसको कहां चेक कर सकते हैं, तो ये आपका जैक है, इस जैक पे आप क्या है चेक कर सकते हैं सारी की सारी पिंस को। ये आपका जैक है, यहाँ पे कॉम्बो लगता है, तो यहाँ पे आप क्या है सारी पिंस पे GR चेक कर सकते हैं, ग्राउंड रीडिंग चेक कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिलती है रीडिंग, GR नहीं मिलता है, ठीक है, कैपेसिटर वगैरह लगे होने चाहिए, ये डबल कॉइल, अगर GR नहीं मिलता है तो CPU से लाइन कनेक्ट रहती है, आपको CPU रिवॉल्व करना पड़ता है। अदरवाइज एक आध लाइन में ये रजिस्टर लगे हुए हैं, इनको भी आप चेक कर लें बस, ठीक है। ये पहली स्टेप है आपकी। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना होता है, दूसरी स्टेप में, क्योंकि मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि फोन में जब तक ग्राफिक्स ओके नहीं होगा, जब तक लाइट नहीं आ सकती, जब तक ग्राफिक्स ओके नहीं होगा, जब तक लाइट नहीं आ सकती, तो ग्राफिक्स पे आपको काम करना है। इसीलिए हम क्या है लाइनों को चेक कर रहे हैं, ये सारे के सारे ग्राफिक्स से रिलेटिव लाइन होती है, ठीक है। इन सब पे हमने GR चेक कर लिया, इसका मतलब ये लाइन क्या है ओके है, ठीक है। अब हम आगे अपना काम करेंगे और स्क्रीन पे आपको दिखाते हैं, ये है हमारी PMI। PMI मतलब चार्जिंग IC, क्या है ये PMI 632 यानी चार्जिंग IC, ठीक। जैसे मैंने 9A वगैरह अदर सेक्शन आपको दिखाए थे, उनमें क्या था, ये ग्राफिक्स IC अलग से लगी होती ग्राफिक्स के लिए, ठीक, जो ग्राफिक्स के वोल्टेज प्लस 5 माइनस 5 वगैरह आउटपुट में निकालती है। यहां पे क्या है, ये जो हमारी चार्जिंग IC है PMI 632, ग्राफिक्स के वोल्टेज इसी से निकल रहे हैं, ग्राफिक्स के वोल्टेज इसी IC से निकल रहे हैं, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पे देखें, यहां पे लिखा है LCD BSN LCD BSP, यानी के दो वोल्टेज जो ग्राफिक्स के लिए होते हैं आपके प्लस 5 माइनस 5, यानी 5-5 वोल्टेज की लाइन दो, ठीक। अब आपको क्या करना है जी, अब आपको करना यह है कि आपको इस वाले कैपेसिटर पे, यहां देखिए ये वाला जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट चेक करिए, ठीक, इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट आपको मिलने चाहिए, ठीक है। या फिर आप GR चेक कर रहे हैं तो 350+ GR मिलना ही चाहिए, इतना ध्यान रखना। अगर यहां पे आपको 5 वोल्ट नहीं मिलते, उसके बाद यहां पे भी 5 वोल्ट चेक करिए इस वाले कैपेसिटर, दोनों लाइनें 5-5 वोल्ट की हैं, प्लस 5-5 जिन्हें बोला जाता है। अगर यहां पे 5-5 वोल्ट आपको नहीं मिलते, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ग्राफिक सेक्शन में प्रॉब्लम है। अब आपको क्या करना पड़ेगा जी, अब आपको करना यह है कि आपके यहां पे वोल्टेज नहीं मिल रहे हैं तो आप इनपुट चेक करें, इनपुट मतलब BPH,
बीपीआई चेक करें ये स्टेबल है कि नहीं, हालांकि बीपीआई यही बनाती है, तो इन कैपेसिटर्स पे आप 3.7 वोल्टेज चेक कर लें, ठीक है। अगर यहाँ पे 3.7 वोल्टेज ओके है, सिंपली आप डायरेक्टली, अगर शॉर्टिंग है तो कंपोनेंट चेक करें, शॉर्टिंग नहीं है तो डायरेक्टली, पहले स्टेप में मैंने क्या बताया आपको, MIPI जो लाइन है ये लाइन है, इनका GR चेक करें, वन स्टेप, ठीक। टू स्टेप में मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये वाला कैपेसिटर 5 वोल्ट मिलने चाहिए, ये वाला कैपेसिटर 5 वोल्ट मिलने चाहिए, कॉम्बो लगा के रखें फोन में और पावर की बटन प्रेस करके ऑन करें, ऑन होने के बाद यहां पे आपको 5 वोल्ट यहां 5 वोल्ट मिलने चाहिए, नहीं मिलते तो दूसरी स्टेप ये है इस आईसी को रिप्लेस कर दो, इस आईसी को, ये कौन सी आईसी है भैया, ये आपकी चार्जिंग आईसी है, इसको हम बोलते हैं PMI, ये असल में है 632, इसका मॉडल नंबर है 632, इसको आपको क्या करना है, रिप्लेस कर देना, सिंपल सी बात है, अगर नहीं मिल रहे हैं वोल्टेज तो दूसरी स्टेप, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे वोल्टेज मिल रहे हैं, GR भी ओके है, 350+ GR है, ठीक है, तो आगे आप क्या करेंगे, ये दोनों वोल्टेज जो आपके ग्राफिक्स के लिए होने चाहिए वो मिल रहे हैं, आगे आपके पास क्या ऑप्शन है, आगे आप क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें हैं, इन पे भी हम डिटेल में बात करेंगे। तो आप इनका ओके होना मतलब ये है कि ग्राफिक्स ओके है, ग्राफिक्स की लाइन ओके है, और जब ग्राफिक्स आपके ओके होंगे तब आप लाइट की तरफ जाएंगे, इसीलिए पहले जब तक ग्राफिक्स की सैक्साइन ग्राफिक्स की लाइंस ओके नहीं होंगी जब तक लाइट पे जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो अब हम चलते हैं लाइट की तरफ, ठीक है, और लाइट पे बात करते हैं, यहां देखिए, यहां पे अगर आप देखें ध्यान से तो जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए बोर्ड में, बोर्ड में देखिए, यहां पे अगर आप देखें तो BPH, ठीक है, 1.8 वोल्टेज, दो चीज यहां पे आप देखें तो ये आपकी लाइट आईसी है, क्या है ये, लाइट आईसी है, ग्राफिक्स तो हैंडल कर रही थी आपकी चार्जिंग आईसी, लेकिन लाइट के लिए एक आईसी का यूज किया गया है, कहां लगी है सारी आईसी, अगर आप देखें तो ये आपकी पावर आईसी है, ये क्या है आपकी पावर आईसी है, पावर आईसी के पास में ही यहां पे 12 वोल्ट की एक लाइट आईसी लगी हुई है, ठीक है। अब भाई लाइट आईसी से क्या चाहिए, भाई लाइट आईसी से क्या चाहिए, लाइट आईसी से चाहिए एनोड वोल्टेज, यानी बूस्ट वोल्टेज चाहिए, जो एनोड लाइन पे होता निकलता है वो चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए, बाकी झमेला नहीं, सीधा सीधा क्या है, बूस्ट वोल्टेज चाहिए। अब आपको क्या करना है भाई, बूस्ट वोल्टेज चेक करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, तीसरी स्टेप में, अभी दो स्टेप हुई आपकी, तीसरी स्टेप में आपको बूस्ट वोल्टेज चेक करनी है। अब देखिए यहां पे ऐसे रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, ये है आपकी एलईडी, ये लिखा हुआ है इस पे ए मतलब एनोड लाइन, एनोड लाइन मैं आपको बता चुका हूं कि एनोड लाइन मतलब वो लाइन जो मेन लाइन होती है लाइट की, जिस लाइन पे आपका 12 से 15 18 25 40 वोल्ट तक रहता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से फोन में अलग अलग, ठीक है, यही लाइन सबसे ज्यादा शॉर्ट होती है क्योंकि इस पे बहुत हाई वोल्टेज चलता है। अब यहां पे लगे दो कैपेसिटर, सबसे पहली चीज आप एनोड लाइन कैथोड लाइन दोनों का, ये कैथोड लाइन है आपकी 1 2, कैथोड 1 कैथोड 2 फीडबैक की लाइन होती है, इसको माइनस बोल सकते हैं, इसको प्लस बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों पे आपको शॉर्टिंग चेक करनी, शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए, शॉर्टिंग नहीं है तो आपको क्या है यहां पे बूस्ट वोल्टेज चेक करनी, क्या चेक करना है, बूस्ट वोल्टेज मतलब ये है कि यहां पे इस कैपेसिटर पे आपके, ये जो आपका कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर पे यहां पे कॉम्बो लगा के रखें फोन को ऑन करें, इस कैपेसिटर पे आपको कम से कम 15 वोल्टेज के समथिंग मिलने चाहिए, ये बूस्ट वोल्टेज कहलाते हैं, ठीक है। इस डायोड के इस वाली साइड पे अगर आप चेक करें तो यहां पे भी आपको बूस्ट वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर बूस्ट वोल्टेज नहीं निकल रहे तो हमारे पास क्या ऑप्शन है, ठीक है, अब चलते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया, नो लाइट नो ग्राफिक्स की प्रॉब्लम में वन स्टेप में आपको क्या करना है, चेक करना है, मिला लीजिए आपको क्या करना है, वन स्टेप में चेक करना है MIPI, क्या चेक करना है, MIPI, ठीक, 350+ GR। दूसरी स्टेप में आपको क्या करना है,
दूसरी स्टेप में प्लस 5 और उसके बाद माइनस 5, यानी दोनों लाइनें बीएसपी बीएसएन 5-5 वोल्ट की लाइनें, वो आपको चेक करनी है जो मैं आपको अभी बता चुका हूं दूसरी स्टेप। ठीक, तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, तीसरी स्टेप में आपको एलसीडी, ठीक है, एलसीडी ए और के, यानी एलसीडी एनोड लाइन और एलसीडी कैथोड लाइन, इन दोनों लाइनों को चेक करना है। शॉर्ट तो नहीं है कोई लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट, शॉर्ट तो नहीं है, ये कंफर्म करना तीसरी स्टेप। चौथी स्टेप में आपको क्या करना है साहब, आपकी जो एनोड लाइन है, आपकी जो एनोड लाइन है इस पे बूस्ट वोल्टेज चेक करनी है। कहां चेक कर सकते हैं, यहां चेक करते हैं इस कैपेसिटर पे, इस डायोड पे भी चेक कर सकते हैं। अगर बूस्ट वोल्टेज निकलेंगे तो लाइट आ जाएगी, सिंपल सी बात है। नहीं आ रही है तो सिंपल सी बात है, यहां पे प्रॉब्लम है। अगर ऊपर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पे बूस्ट वोल्टेज निकलनी चाहिए एनोड लाइन पे चौथी स्टेप में। अगर एनोड लाइन पे बूस्ट वोल्टेज नहीं निकल रहे हैं तो क्या करेंगे आप, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है तो सुनिए, ये चार ही स्टेप है बस। अब आपके पास ऑप्शन क्या है, आपके पास ऑप्शन है डायोड रिप्लेस करिए, आपके पास ऑप्शन है बूस्ट कॉइल को रिप्लेस करिए, दो चीजें हो गई। तीसरा ऑप्शन है आपके पास इस लाइट आईसी को रिप्लेस कर दीजिए, इनपुट इसका ओके होना चाहिए, बीपीएच इसको मिल रहा है और ये आउटपुट में बूस्ट वोल्टेज नहीं निकाल रही है, इन दोनों को आपने चेंज कर दिया है, तो लाइट आईसी को आप ये लगे यहां पे इसको रिप्लेस कर दे, 100% आपका काम हो जाएगा, 100% आपका काम सक्सेस हो जाएगा। अगर नहीं होता फिर से मैं रिपीट कराऊंगा, हर बताता हूं, यहां पे एक लाइन मिलती है एलसीडी कैबसी के नाम से, इसके नाम से कैबसी के नाम से, ये लाइन अगर आप देखें आपकी लाइट आईसी में जा रही है, यहां से यहां पे 1.8 वोल्टेज आता है पावर से, इस पे पावर से 1.8 वोल्टेज आता है, जैसे ही आप जैग लगाते हैं तो यहीं से ये जनरेट होती है और फिर ये आईसी, ये क्या होती है, ये आपकी सिग्नल की लाइन होती है। इस लाइन को कहीं पे एलसीडी कैपसी के नाम से आप देखेंगे, कहीं पे इस लाइन को WLED इनेबल के नाम से देखेंगे, कहीं पे इस लाइन को आप PWM के नाम से देखेंगे, इंपल्स बाय मॉड्यूलेशन के नाम से। तो एक ही बात है, फ्रीक्वेंसी इस लाइन पे चलती है, DSO से फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, अदरवाइज GR चेक कर सकते हैं, अदरवाइज बूटिंग के समय में 1.8 वोल्टेज कुछ सेकंड के लिए आता है, चेक करके कंफर्म कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है, बस सिंपल सी बात है। तो यहीं से आपका फॉल्ट आएगा, चार स्टेप मैंने बताए, 100% आपका फोन, चाहे आपका रेडमी 8 हुआ, 8A हुआ, डिडोल या रेडमी 7A या हर वो फोन जिसमें क्वालकॉम चिपचैट PMI 632 और PM 439 लगी हुई है, 100% आपका क्या है, ये सक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक थ्योरिकली वीडियो है, इसका प्रैक्टिकली वीडियो मैं आपको कल दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बोर्ड में एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप चेक करके बताऊंगा जैसे आपको मैंने यहां दिखाई है। तो हम नए से नए वीडियो या सोल्यूशन आपको देते ही रहते हैं, और अगर सब कुछ एडवांस सीखना चाहते हैं, हम यहाँ पे आईसी लेवल का कोर्स कराते हैं, आपका सुबह 9 बजे से रात 10-11 बजे तक क्लासेस चलती रहती है, यहाँ पे परफेक्ट मैकेनिक यहाँ से बना के भेजते हैं, छोटी सी फीस है, रहना खाना सब कुछ एकदम ओके कंडीशन में रहता है। तो एक मरतबा हमसे कॉन्टेक्ट कीजिए और खुद को अपडेट कीजिए। ठीक है, तो आई होप हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।